तो पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, ठीक है, इन सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला है कि आपका इट इज़ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मीनिंग होता है कि जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको आप मतलब या तो देख नहीं सकते हैं या फिर टच नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आप उसको बस समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। अब जैसे भूत लोग कहते हैं, तो भूत क्या है, तो भूत का ना ही आपने देखा है ना ही आपने छुआ है उसको, आपने उसको क्या किया है, महसूस किया है, सेम चीज़ ये है, ठीक है। फिर इट इज़ नॉन परिसेबल मीन्स, ठीक है, और इसको मैं प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप प्रोनाउंस ज़रूर नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या, इसका मतलब होता है कि ये ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, मीन्स ख़त्म। अब जैसे हमारी उम्र क्या होती है, धीरे धीरे ढलती जाती है, हम लोग बूढ़े होते जाते हैं, बट सॉफ्टवेयर नहीं ढलता है ना, वो बूढ़ा नहीं होता है, वो एक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अब उसको हम लोग कह सकते हैं अजीवित है, मीन्स उसको हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर वो अगर मान लो डिलीट नहीं करें तो वो वैसे का वैसा ही सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए पड़ जाएगा, जब तक कि डाटा सारे डिलीट नहीं हो सकते, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि इट इज़ ईजी टू रेप्लीकेट, मीनिंग इट कैन नॉट बी कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ईजिली। मीन्स क्या है कि ये जो है कि इट कैन बी कॉपीड, मीन्स हम लोग जो भी आपके कोड हैं, जो भी आपके सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग कॉपी करके फिर किसी और जगह यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फिर इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, मीनिंग इट कैन हैव मैनी इंटर रिलेटेड पार्ट्स एंड फीचर्स, मीन्स ये कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए सॉफ्टवेयर जो भी आपका बना है उसमें बहुत सारी चीज़ों का आपने यूज़ किया होगा, ठीक है, बहुत सारे, मान लीजिए अगर मान लीजिए आप एजुकेशनल अगर वेबसाइट बनाएं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने कि कहीं पे नोट्स प्रोवाइड कर रखे होंगे, कहीं पे हैंड रिटन, कहीं पे आपका जो है कि टाइप नोट होगा, कहीं पे पीपीटी पड़ी होगी, फिर कहीं पे लेक्चर्स पड़े होंगे, तो वो क्या है, वो आप जो है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मीन्स कॉम्प्लेक्स का मतलब आपने सबको एक तरीके से एडजस्ट किया होगा, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर ठीक है। ये उसके पास से इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई स्पेशली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है समझने में भी, और फिर क्या होता है, मॉडिफाई करने में भी। अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, और वो उस इंसान को दे दें जो कि उस सॉफ्टवेयर में कभी काम ही ना किया हो, तो उसको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर के बारे में, देन वो उस पर कुछ जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो कर सकता है। फिर इट कैन बी अफेक्टेड बाई चेंजिंग रिक्वायरमेंट है, मीनिंग इट मे बी टर्न टू अपडेटेड और मॉडिफाइड एज द नीड्स ऑफ द यूज़र चेंजेस, मीन्स हो सकता है कि कुछ अफेक्ट आ सकती हैं। अगर मान लीजिए किसी यूज़र्स ने बोला कि नहीं मुझे ये चीज़ की आवश्यकता है, या फिर उसने बोला कि ये चीज़ें मुझे होनी चाहिए, तो शायद हम लोगों को शायद अच्छा लगे, और ये इस चीज़ की रिक्वायरमेंट आ गई कि 60 से 70 यूज़र्स ने बोल रखे हैं, तो फिर आपको सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत तो चेंज करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत चेंज की और उस पर क्या हो गया कि आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बिगड़ गया, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। फिर ठीक है, इट कैन बी अफेक्टेड बाई बग्स एंड अदर इश्यूज, मीन्स बग्स आ सकते हैं, कुछ एरर आ सकती हैं, ठीक है, तो फिर उसको सही करना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा समय, अगर आप गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप सही कर लेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कंपोनेंट्स आपके हैं, फंक्शनलिटी हुआ, फिर उसके बाद से हो गया आपका पोर्टेबिलिटी, इफिशियंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड रिलेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर छोटे से डिटेल में, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। फंक्शनलिटी क्या होता है कि फंक्शनलिटी रेफर टू द डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर अगेंस्ट इट्स इंटेंडेड पर्पज, मीन्स जो भी आपकी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, आप जिस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, रैद किससे कंपेरिजन किया जाता है, इंटेंडेड मीन्स आप वहाँ तक सोचे हों और वैसा काम नहीं कर रहा है, और आप मीन्स आपने सोचा क्या है और इस समय काम क्या कर रहा है, उन दोनों के बीच में कंपेरिजन की जाती है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, सबसे पहले पढ़ते हैं कि फंक्शनलिटी में कितने आ जाते हैं। फंक्शनलिटी में आती है सूटेबिलिटी, एक्यूरेसी, इंटरऑपरेबिलिटी, कॉम्प्लीएंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, जिसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं रिलेबिलिटी, तो रिलेबिलिटी में आता है मैच्योरिटी, रिकवरेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, मीन्स रिकवरेबिलिटी मीन्स जो भी डिलीट हो उसको रिकवर कर लें, फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स जो भी फॉल्ट आ रहा है उसको हम लोग
टॉलरेट मीन्स टॉलरेट कहें तो अनदेखा, ठीक है, मीन्स अनदेखा मीन्स उस उतना उतना ही वो फॉल्ट है जिसको हम लोग मतलब कोई मतलब ना रहे कि ये छोटी सी फॉल्ट है। फिर मैच्योरिटी, ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आपका टॉपिक था वो था इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी में हम लोग देखते हैं दो तरीके से, एक इन टाइम एक इन रिसोर्स, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग यूज़ेबिलिटी। तो यूज़ेबिलिटी में भाई अंडरस्टैंडेबिलिटी, फिर लर्नेबिलिटी, फिर ऑपरेबिलिटी। मीन्स क्या होता है कि सबसे पहले तो उस वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को समझना पड़ेगा, फिर उससे जो भी आप सीख सकते हैं, जो भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेंटेबिलिटी, मेंटेबिलिटी में उसको मेंटेन करने के लिए डाटा, जो भी सॉफ्टवेयर उसको मेंटेन, सबसे पहले आप टेस्ट करेंगे, फिर सोचेंगे कैसे स्टेबल, फिर अगर स्टेबल नहीं हो पा रहा है फिर चेंज करेंगे, फिर उस पर जो भी ऑपरेशन लगाने होंगे वो ऑपरेशन करेंगे। तो ये मेंटेबिलिटी के अंदर आता है। फिर आता है पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी में अडाप्टेबिलिटी, इंस्टॉलेबिलिटी, रिप्रेसिबिलिटी, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना के देना, आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है।